हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास थर्ड। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली, सो लेट्स कंटिन्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट इन माय प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 7.6 एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 7.7। सो स्टूडेंट, सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी हमें नीचे दी गई वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना है। जैसे नंबर वन है, एट अ पार्टी, एक पार्टी में द बॉयज वॉन 2/7 ऑफ द गेम्स प्लेड एंड द गर्ल्स वॉन 3/7 ऑफ द गेम्स प्लेड। यानी एक पार्टी में लड़कों ने खेले गए गेमों का 2/7 भाग जीता और लड़कियों ने 3/7 खेलों का भाग जीता। तो हाउ मेनी गेम डिड दे विन इन ऑल, तो इन दोनों ने एक साथ कितना गेम जीता, ठीक है ना, कितने गेम जीते, तो हमें ये बताना होगा। तो दोनों को क्या कर देना होगा, ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो बच्चों, हम जानते हैं कि बॉयज थे उनका कितना था, बॉयज, ठीक है ना, बॉन इज इक्वल टू 2/7 और गर्ल्स ने कितना 3/7, तो टोटल निकालना है, ठीक है ना। हाउ मेनी गेम डिड दे विन ऑल, ठीक है, टोटल वॉन फाइंड कर लो। तो 2/7 प्लस 3/7 ऐड करने और बच्चों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ऐसे ऐड हो जाएगा। 2, 3 कितने हो गए, 2+3, कैसी फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है ना। तो एक से हमने ऐसे राइट कर लिया और 2 और 3 ऊपर ऐसे प्लस में लिख दिया, 3, 2 कितना हो गया, 5/7, तो 5/7 आ गया इसका आंसर, क्लियर हो गया है। आगे देखो, आगे बच्चों, एट द बर्थडे पार्टी, यानी बर्थडे पार्टी में द बॉयज एट 2/7 पोर्शन ऑफ द पिज्जा, यानी लड़कों ने पिज्जा का 2/7 भाग खाया, एंड द गर्ल्स एट 1/7 पिज्जा और 1/7 पोर्शन ऑफ द पिज्जा, और लड़कों और लड़कियों ने 1/7 पार्ट खाया, भाग खाया पिज्जा का। तो हाउ मच पिज्जा डिड द बॉयज एंड द गर्ल्स ईट इन ऑल, तो हमें बताना है कि इस समय लड़के और लड़कियों ने मिलकर कुल कितना पिज्जा खाया। तो बच्चों सिंपल सी बात है, लड़कों ने भी खाया, लड़कियों ने भी खाया, दोनों को फ्रैक्शन दे रखी है, दोनों का एक साथ बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज एट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, यानी बॉयज एट, ठीक है, लड़कों ने खाया 2/7 पोर्शन, ठीक है, और गर्ल्स एट, लड़कियों ने खाया 1/7 पोर्शन, ठीक है ना। तो टोटल निकाल लेंगे, ठीक है, लिखेंगे बॉयज एंड गर्ल्स एट इन ऑल, तो बॉयज एंड गर्ल्स एट इन ऑल, ठीक है। तो क्या करना होगा, वही 2/7 में 1/7 को ऐड कर दो, ठीक है। तो दोनों क्या है, हमारी दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है ना, तो 1/7 ऐड कर लेंगे, ऊपर 2+1 हो जाएगा, तो 2+1 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3/7 पोर्शन आ जाएगा, ये आ गया हमारा आंसर, एनी प्रॉब्लम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर है बच्चों 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए शॉपकीपर सोल्ड 7/9 ऑफ राइस ऑन संडे, यानी एक दुकानदार 7/9 ऑफ राइस, यानी राइस का, चावलों का 7/9 संडे को बेचता है, 2/9 ऑफ राइस ऑन मंडे, और मंडे को 2/9 बेचता है। तो हाउ मच मोर राइस डिड द शॉपकीपर सेल ऑन संडे देन ऑन मंडे, तो बताना है कि संडे को दुकानदार ने मंडे से कितने ज्यादा चावल बेचे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, भाई संडे में ज्यादा बिके, मंडे में कम बिके, तो हम जो मंडे में बेचे गए चावलों की संख्या है, जो पार्ट है उसका, हम संडे बेचे गए चावलों के पार्ट में से माइनस कर लेंगे, तो 7/9 में से 2/9 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा बेचा है जितना वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 3, तो 3 का सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ, देखें यहाँ पर 3 का सोल्यूशन है हमारा बच्चों, हमें पता है कि संडे को जो बेचे गए
ठीक है, सोल्ड यानी राइस, सोल्ड ऑन संडे, संडे में कितने बेचे गए बच्चों, तो संडे में बेचे गए हमारे 7/9, कितने बेचे गए 7/9, ठीक है। और राइस सोल्ड ऑन मंडे, राइस राइस सोल्ड ऑन ऑन स्टूडेंट ऑन, ठीक है, ऑन मंडे, ठीक है, मंडे को भेजे गए कितने 2/9, ठीक है। अब कर दें इनका डिफरेंस, तो 7/9 में से 2/9 माइनस कर लो, तो 9 नीचे जाएगा, 7-2 हो जाएगा, 7-2 कितने होते हैं बच्चों 5 होते हैं, 9, तो ये आ गया हमारा आंसर। इतने चावल ज्यादा बेचे गए संडे को, किससे, मंडे से, क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, नीरज रोड हिज बाइसकल 3/5 किलोमीटर, यानी नीरज ने अपनी साइकिल चलाई 3/5 किलोमीटर ऑन ट्यूजडे को, है नहीं, एंड 1/5 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे, और वेडनेसडे को चलाई 1/5 किलोमीटर। हाउ मच मोर डिस्टेंस डिड नीरज कवर ऑन ट्यूजडे, तो हमें बताना है कि नीरज ने ट्यूजडे को कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों हम जानते हैं कि ट्यूजडे को नीरज ने 3/5 किलोमीटर साइकिल चलाई थी, जबकि वेडनेसडे को 1/5 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। तो हम क्या करेंगे भाई, 3/5 में से 1/5 को माइनस कर देंगे, क्या ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कि ट्यूजडे को कितनी ज्यादा चलाई, यही तो करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो 4 का सॉल्यूशन देखें, 4 का सॉल्यूशन, तो बच्चों यहां पर नीरज रोड बाइसिकल ऑन ट्यूजडे को बच्चों कितनी चलाता है वो 3/5 किलोमीटर। उसके बाद बच्चों नीरज रोड हिज बाइसिकल ऑन बैडनेसडे को कितनी चलाता है बच्चों 1/5 किलोमीटर, ठीक है। हमें निकालना है डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 3/5 में से 1/5 को माइनस कर दो बच्चों, ठीक है। तो अपॉन में क्या आएगा 5, नहीं ऊपर हो जाएगा 3-1, तो 3-1 कितने होते हैं बच्चों, 3-1 होते हैं हमारे 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे 2/5 किलोमीटर मोर डिस्टेंस डिड नीरज कवर ऑन ट्यूजडे आ गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 7.7 को, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, आज बच्चों हमने 7.7 कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू।